अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आस्क टेक होस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप के थोड़े से क्वेश्चन को पिक करने की कोशिश की है। अगर आपका क्वेश्चन इनके पिक नहीं हुआ तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हो, लाइक लाजमी तौर पर वीडियो को कर दीजिएगा। एक अपडेट आपको मैं दे दूँ, पाकिस्तान के अंदर अभी यूट्यूब बंद चल रही थी, आपके एरिया में बंद चल रही थी या फिर नहीं चल रही थी, ये नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा। इस वक्त जो टाइम है वो 8 बजे हुए हैं और जो इमरान खान की तकरीर चल रही थी उस वक्त बंद चल रही थी, जैसे वो खत्म हुई तो वो ऑन कर दी गई यूट्यूब। तो ये आप नीचे कमेंट कीजिएगा आपके एरिया में चल रही थी या फिर नहीं चल रही थी, ताकि कल टेक शो के अंदर मैं लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट कर सकूं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन आ रहा है नुमान रियाज की तरफ से, इन्होंने पूछा व्हाट अबाउट कॉन्स ऑफ वन प्लस 70 नो वारंटी नो स्लिप अप्रूव्ड लॉट ऑफ बग्स इन एंड्रॉयड 11 ऑफिशियल एसएसएस आर फार मोर एक्सपेंसिव 90% फोन्स आर रिफर्बिश्ड व्हाई डोंट यू डिस्कस दीज कॉन्स। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। आप लोगों को बताया कि हम लोग चैनल के ऊपर नई सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बेस्ट डील वगैरह को कवर करते हैं, वो वाले फ़ोन जो कि आपको यूज्ड के अंदर अच्छी कंडीशन के अंदर या फिर अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाते हैं। अब उस वीडियो के नीचे इनका ये कमेंट आया था, यार आपके अब ये जो बात है ना, नो वारंटी वाली, नो ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड वाली वारंटी, आपको जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट ब्रांड से फ़ोन नहीं ले रहे, आप वन प्लस से या फिर सैमसंग से ऑफिशियली तौर पर बाय नहीं करें, आप कोई नया फ़ोन बाय नहीं करें तो आपको ऑफिशियल वारंटी तो मिलने वाली नहीं है। और हम लोग यहाँ पर बाय कर रहे होते हैं मोस्टली तौर पर जो सेलर्स होते हैं ऑफलाइन मार्केट के अंदर उनसे, तो वो 1-1.5 वीक की वारंटी आपको प्रोवाइड करते ही हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है। जहाँ तक बात है ऑफिशियली अप्रूव ना होने की, तो जाहिर सी बात है भाई अगर आपके फ़ोन के ऊपर 80,000 रुपये टैक्स आ रहा है, उसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो 30,000 रुपये है, तो कौन सा बेवकूफ इतने ज़्यादा पैसे पे करेगा और कौन सा दुकान वाला इस किस्म का बिजनेस करेगा, उसका क्या बिजनेस चलेगा। इसलिए ऑफिशियल अप्रूव वाला जो सीन है ना वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा। और जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अगर टैक्स है ना तो भाई कौन पे करेगा, सीधी बात है। इसके ऊपर ऑफिशियली अप्रूव होने या ना होने का कोई इतना ज़्यादा मतलब डिस्कस करने वाली बात नहीं है, सीधी बात है। कोई ये बंदे की लॉजिकली बात समझ नहीं आती कि 30,000 वाला फ़ोन जिसकी एक्चुअल प्राइस उसके ऊपर आप 80,000 रुपये टैक्स दो, तो ये चीज़ जाहिर है मैं क्या डिस्कस करूँ, नॉर्मल सी बात है और बंदे को पता है। लॉट ऑफ बग्स इन एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड के जितने भी बग्स होते हैं ना वो रैंडम होते हैं, लाइक कुछ फोन्स के अंदर कुछ बग्स आ रहे होते हैं, कुछ फोन्स के अंदर कुछ बग्स आ रहे होते हैं और अपडेट्स के थ्रू कवर भी हो रहे होते हैं, और ये वाले बग्स इतने ज़्यादा मेजर नहीं होते, 1-2 अपडेट के बाद नॉर्मली ये सोल्व हो जाते होते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात है ऑफिशियल एसेसरीज़ की जो कि एक्सपेंसिव हैं, तो यार एक चार्जर आपको चाहिए होता है, आपने भाई कोई इतनी ज़्यादा एसेसरीज कौन सी एसेसरीज होती है, एक चार्जर होता है वो आपको नॉर्मली दुकान वाले फ़ोन के साथ दे ही देते हैं। रीफर्बिश्ड की जहाँ पर बात है ना वो ये है कि भाई यूज के अंदर जो फ़ोन्स आते हैं वो थोड़े बहुत रीफर्बिश्ड होते ही हैं। मैं नॉर्मली तौर पर जो प्राइजेस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ वो मैक्सिमम जो अच्छी कंडीशन के अंदर फोन्स होते हैं उनको देकर कर रहा होता हूँ कि आपको बेस्ट जो स्पेसिफिकेशंस हैं, बेस्ट जो उसकी कंडीशन है उसके लिहाज से इतने का लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम लोग ओवरऑल इन सारी चीज़ों के ऊपर देखते हैं, सिंपल सी बात यह है कि जब आप यूज के अंदर 2 से 3 साल पुराना फ़ोन लोगे तो कंप्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। अगर आप 40,000 के फ़ोन की बात करते हो, 45,000 की, उसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 855 मिल रहा है, कैमराज के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है, तो भाई या तो फिर आप ये ले लो या फिर आप कोई ऐसा नया फ़ोन ले लो जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 मिल रहा है या फिर उसके अंदर फ्रंट के ऊपर नोच है, किसी किस्म की कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, फिर आपको डब्बा मिल जाएगा, साथ में एसेसरीज भी मिल जाएंगी, वारंटी भी मिल जाएगी, तो आप फिर उसको लेके बैठ रहे हो, मतलब क्या करोगे उसका फिर आप, जबकि आपके फ़ोन की एक्चुअल परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वसीम हबीब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो X80 लेना चाहिए कि नहीं 150K में? सिंपल आंसर दूँ, नहीं लेना चाहिए। जितने भी फ़ोन्स हैं ना चाइनीज़ ब्रांड्स के, जिसके अंदर आप लोगों को लाइक जो ये जो जितनी भी मेजर ब्रांड्स हैं, वीवो होगी, ओप्पो वगैरह होगी या फिर इवन के शाओमी भी होगी, इन ब्रांड्स की जो वैल्यू होती है ना, जो रीसेल वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती है। अगर आपने 150 का ये ले लिया ना, अगर आपने एक महीने के बाद सेल किया तो आपको 50,000 का नुकसान डायरेक्टली तौर पर होने वाला है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने 1 लाख से ऊपर वाला कोई फ़ोन लेना है या तो आईफोन की तरफ जाएं या फिर आप सैमसंग के किसी फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ जाएं, वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर जाते हैं। चाइनीज़ ब्रांड जो है ना वो वैल्यू को काफ़ी ड्रॉप करती हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने फिर भी लेना है तो स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हो। गुलाम फरूक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सर कैसे हो? टेक्नो केबिन 19 प्रो
एजुकेशन 50K में, अब ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा, मुंडेरियन एजुकेशन 50K में लॉन्च होता है तो क्या परचेज कर लेना चाहिए? यार वो आ ले, वो आने वाला है, वो आई थिंक टेक्नो वाले उसको थोड़ा बहुत डिले इसलिए कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए। प्राइस आ ले फिर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, जब तक फ़ोन आता नहीं है ना तब तक ओपिनियन नहीं देनी चाहिए फाइनल ओपिनियन कि आप लो या ना लो, आता है तो फिर हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली बात कर लेंगे। मुदस्सर राशमि का अगला क्वेश्चन है, क्या PTA पैच या VIP पैच में बैंकिंग ऐप्स चलती हैं क्या? अच्छा यार नॉर्मली चल जाती हैं, कोई इशू नहीं आता, कभी कभी इशू आ भी जाता है, लाइक अगर आप अपडेट करते हो बैंकिंग ऐप को, आपने अपडेट किया तो थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐप्स चल जाती हैं। एप्लीकेशंस को लेके या फिर अपडेट्स को लेके लाइक 50-50 चांसेस होते हैं, कुछ डिवाइसेस के अंदर इशूज़ आ रहे होते हैं, कुछ के अंदर नहीं आ रहे होते। स्पेसिफिकली अगर आप लोग देखते हो ना किसी ब्रांड को, तो अगर आप कहते हो वन प्लस के फ़ोन की या फिर किसी और फ़ोन की, तो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा होता है जब भी कोई अपडेट आती है, तो चल जाती, लेकिन आप इस चीज की उम्मीद कर सकते हो कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा इनाम शेख ने, Xiaomi की ब्रांड वैल्यू कैसी है? तो यार Xiaomi की जो ब्रांड वैल्यू है ना, अगर मैं कैटेगराइज करता हूं ना, पहले नंबर के ऊपर एप्पल है, दूसरे के ऊपर सैमसंग है, तीसरे नंबर के ऊपर Xiaomi आती है या फिर Vivo आती है। लाइक जितनी भी चाइनीज ब्रांड्स हैं इनकी वैल्यू लाइक इतनी है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा महंगा फ़ोन इनका बाय ना करें, उनकी उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन होती है। अगर आप देखते हो ना 1 लाख से नीचे नीचे, तो Xiaomi की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप किसी भी फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और नॉर्मली इन ब्रांड्स के जो फ़ोन आते हैं वो 1 लाख से नीचे ही आते हैं, इनका लाइक जो फ्लैगशिप फ़ोन होता है वो कम ही आता है। तो ये लाइक ओवरऑल आप लोग इस तरह प्लानिंग करो। अगर आप लोग नॉर्मल फ़ोन्स की बात करते हो मिड रेंज वगैरह की, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, Xiaomi के फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर रीसेल हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो Vivo की ऑफलाइन मार्केट के अंदर रीसेल है ना, वो सबसे ज्यादा Xiaomi की ऑनलाइन रीसेल काफी ज्यादा अच्छी है। सैयद का अगला क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, सलाम भाई, सिंपल आईफोन 14 लोएस्ट जीबी वाला 128 कितने का होगा नॉन PTA? तो यार उसके बारे में अभी तक जो प्राइस की अपडेट आई हुई है कि उतने का ही होगा जितने का आईफोन 13 था, विच मीन्स के $800 का। अगर हम लोग आज के डॉलर के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 1,60,000 से 1,65,000 उसकी प्राइस बन रही है। उसके ऊपर आप लोग 20,000 तक जो है नॉर्मल डीलर होता है उसका ऐड कर लो, तो तकरीबन आप लोगों को 1,90,000 तक पड़ेगा नॉन PTA बेस वाला। और जो टैक्स है वो 90,000 पड़ेगा अगर आप PTA अप्रूव करा करवाते हो, तो इतना आप बजट रख सकते हो स्टार्टिंग के लिए। सैयद हुजैफा अली का अगला क्वेश्चन है, अगर मुझे किसी से 22 से आईफोन मंगवाना है एयरपोर्ट से, तो वो डब्बा पैक आ सकता है या ड्यूटी देना पड़ेगी? ड्यूटी तो सिंपल सी बात है देना पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई इम्पोर्ट खुली है, कितनी खुली है। पाकिस्तान के अंदर जो फोन्स हैं वो डेफिनेटली आ रहे हैं, बॉक्स पैक भी आ रहे हैं, वो किस तरह आ रहे हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो तो आपको एक डीलर ही बता सकता है। ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आजकल आप किसी से भी कोई भी बॉक्स पैक फोन नॉर्मल जो एयरपोर्ट है उसके थ्रू मंगवाओ, वो रख सकते हैं, वो कहेंगे भाई इम्पोर्ट बंद है आप लेके नहीं आ सकते। तो रिस्क बिल्कुल भी ना लें, यहाँ से ढूंढने की कोशिश करें, यहाँ से आपको सारे फ़ोन मिल जाएंगे भाई, नथिंग फोन वन भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी, ड्यूटी देनी पड़ेगी डेफिनेटली। अहमद टेक्निकल का अगला क्वेश्चन है, डॉलर कम होने के बावजूद प्राइस कम नहीं कर रहे? तो यार आई एम आल्सो सरप्राइज्ड के जो गाड़ियों के प्राइजेज हैं वो उन्होंने कम करना स्टार्ट कर दी हैं, और जो माफिया ना गाड़ियों वाला वो भाई सबसे ज़्यादा लाइक पैथेटिक है। और जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो कोई प्राइस को कम नहीं कर रही, मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो प्राइस को कम करना ही चाहिए। मे बी वो इस वजह से ना कर रहे हों कि भाई नए फ़ोन तो आ नहीं रहे मार्केट के अंदर, वो कह रहे हों कि प्राइस कम करेंगे तो भाई क्या पता कल को डॉलर फिर बढ़ जाए, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी रीज़न नहीं है, कम करनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं करे। और काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों की तरफ से मैसेज देखे हैं कि भाई ये कहो कि बाइकआउट करो, भाई बाइकआउट कैसे करें, कोई आ ही नहीं रहा, किसको कहेंगे बाइकआउट करो, जिसने फ़ोन लेना उसने जाके ले लेना है। बाइकआउट शाइकआउट पाकिस्तान के वाम ना कभी किसी की मानती है, इन्होंने अपनी करनी होती है मर्ज़ी। इनको मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि भाई रिसर्च करके फ़ोन लिया करो, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिज़ाइन के ऊपर चल रही हैं, तो जो स्मार्टफोन है ना किसी बंदे का एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, वो देखता है भाई मुझे ये ठीक लग रहा है उसने ले लेना, बाइकआउट शाइकआउट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से कोई फ़ायदा होता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इसमें ब्रांड्स का भी टोटली तौर पर कोई कसूर नहीं है, सारी चीज़ें मिक्सिंग हैं, लेकिन इनको डेफिनेटली प्राइस कम करने की ज़रूरत है। एक अपकमिंग फ़ोन्स के बारे में मुझे क्वेश्चन आया था, तो यार अपकमिंग फ़ोन्स आ नहीं रहे इतने ज़्यादा, टेक्नो का कैमोन 19 प्रो आने वाला, वो मुझे लगता है वही आएगा, उसके अलावा कोई समझ नहीं आ रही किसी ब्रांड की। सैमसंग की जी फोल्ड और फ्लिप सीरीज 4 के बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, सैमसंग का क्या प्लान चल रहा है, तो इसलिए मैंने अपकमिंग फ़ोन्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। जैसे कि फ़ोन आने वाला होगा आप लोगों को टेक शो के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो बस आज के लिए यही क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब ये वाली जो वीडियो मुझसे लेट हो जाएगी, इस वक्त
8:40 हो गए, मैंने इसको एडिट करना है, थंबनेल बनाने, अपलोड करना है, तो अगर ये लेट आती हो तो आई एम रियली सॉरी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।